हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूंगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। पार्टनर मैसेज का जवाब क्यों नहीं देता है? जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्यों होता है जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और वही इंसान हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता है, और उस समय में हमको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है? और ऐसा आखिर होता क्यों है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो ऐसा समय के साथ होता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम सभी के साथ ही होता है। और ऐसा होने का भी वजह है, और वो ये है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और चीज़ें जो है नए होते हैं हमारे लिए, तो हम उस चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। और कॉल मैसेजेस का जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ धीरे धीरे वक्त के साथ, जैसे ही हमारा उस इंसान के प्रति इंटरेस्ट कम होता है, इंटरेस्ट कम होना मतलब हम उस इंसान को अच्छे से जब जान जाते हैं, जब हम उसको समझ चुके होते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो कॉल और मैसेजेस का क्वांटिटी है वो कम होता है, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी जान चुके होते हैं। और पहले क्या होता है, पहले हम उस इंसान को जानना शुरू करते हैं, उस इंसान के बारे में हम समझना स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली हमारा उतना ही इंटरेस्ट बना रहता है क्योंकि हम उसको जानना चाहते हैं, एक क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, राइट। धीरे धीरे जब वो क्यूरियोसिटी कम होती जाती है तो कॉल और मैसेजेस का जो क्वांटिटी है ना, वो पहले से भी कम होती है। ये एक नेचुरल चीज़ है, इसको लेके इतनी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, पार्टनर का इंटरेस्ट कम हुआ है, क्यों हुआ है, पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले जैसी फीलिंग्स नहीं रही। लेकिन ये हमेशा सही है ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदलती है, आपको भी वक्त के साथ ही बदलना पड़ेगा खुद को। तो अगर ऐसा है, अगर पहले जैसा कॉल या मैसेजेस पार्टनर नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर फीलिंग्स कम हो गई है या फिर उसके अंदर प्यार नहीं रहा, ठीक है। ये हम गलत करते हैं, गलत हमारा सोच ही गलत है, क्योंकि वक्त के साथ उस इंसान का जो क्यूरियोसिटी होता है वो कम होता है, क्योंकि वो हमें जान चुका होता है, राइट। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये चीज़ तो हम पे भी लागू होती है ना, हमारा भी तो उसके प्रति जो इंटरेस्ट है वो पहले से कम होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे कि नहीं, हम तो चेंज नहीं होंगे। तो वक्त के साथ अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। इतना ज़्यादा लोड लोगे तो कभी भी आप खुश नहीं रह सकते हो ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे वो रिस्पॉन्स करता है, अगर वो पूरे दिन में दो मैसेजेस कर रहा है या फिर दो कॉल कर रही है, तो आपको भी दो ही मैसेजेस करना है और दो ही कॉल करनी है। लेकिन हम तो लगे पड़े हैं भैया, हम तो धड़ाधड़ कॉल मैसेजेस करते रहेंगे, तो इतना ज़्यादा आपको भी क्यों करनी है। जहाँ आप देख रहे हो कि आपको मैसेजेस का या कॉल्स का रिस्पांस कम आ रहा है, तो आपको भी कम कर देना चाहिए ना, आपको भी कॉल मैसेजेस का जो क्वांटिटी है उसको कम करना चाहिए। अगर उस साइड से आपको रिस्पांस आ रही है तब आप रिस्पांस करो, लेकिन हमको तो धड़ाधड़ मैसेजेस पे मैसेजेस करते रहना है। तो ऐसे करोगे तो आपका जो एक इमेज है, आपका जो एक वैल्यू है ना, वो पार्टनर के सामने आप खो दोगे, और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जितना रिस्पांस आ रहा है, हाई तो हाई, बाई तो बाई, ऐसे ही आपको रिस्पांस करना चाहिए। उसको ज़्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि तुमने कॉल नहीं किया, तुमने मैसेजेस नहीं किया, और इसी कंप्लेनिंग नेचर की वजह से रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपको चीज़ों को थोड़ा नॉर्मली लेके चलना है। हो सकता है कि वो इंसान सच में बिज़ी हो सकता है कि उसके पास टाइम नहीं रहा हो आपसे बात करने का, या फिर कभी कभी हो जाता है कि इंसान इतना ज़्यादा सिचुएशन में फंस जाता है कि वो आपसे चाह के भी बात नहीं कर पाता है या फिर नहीं रिस्पॉन्स कर पाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त वो इंसान आपको लेके ग्रांटेड फील करता है तभी आपके साथ ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी भी दिखाओ, थोड़ा मैच्योर बनो। रिश्ते जो है मैच्योरिटी से बहुत अच्छे से चल सकती है, अगर आप चलाना चाहते हो तो थोड़ा यहाँ पर मैच्योर बनो।
और थोड़ा चीज़ों को समझो, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये जो आपका पार्टनर है वो आपको इंटेंशनली आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो उसके साथ एक बार बैठ के बात करो कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, उसको डायरेक्ट पूछो, ठीक है, और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। और अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप अपने रास्ते और वो अपने रास्ते जाओ, ठीक है। लेकिन ये तो कोई सल्यूशन नहीं है ना, सल्यूशन यही है कि आपको भी चीज़ों को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ समझना चाहिए। पहले जैसा कुछ अगर आप चाहते हो कि पहले जैसा ही वो आपको कॉल करे, मैसेजेस करे, तो देखो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले से चीज़ें अभी बदल चुकी है, आप भी उसको समझ चुके हो, वो भी आपको समझ चुकी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा कम तो होता है, सभी का होता है, और ये रूल है, इसको तो हम भी नहीं बदल सकते, आप भी नहीं बदल सकते। तो थोड़ा मैच्योर बनो, जितना वहाँ से रिस्पॉन्स आता है उतना आप भी रिस्पॉन्स करो। आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है हद से ज़्यादा कॉल करने की, मैसेजेस करने की। उस इंसान के लिए आप इम्पॉर्टेंट अगर हो तो वो ज़रूर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, और आपको भी उतना ही ज़रूरत के हिसाब से ही रिप्लाई देना है, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है। ऐसे करके चलोगे तो रिश्ता भी नहीं ख़राब होगा और आपका जो रिलेशन है वो भी मजबूत होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।